हमारे देश में सोने की तस्करी को रोकना एक सिरदर्द बन चुका है। ये तस्कर सोने की तस्करी के लिए तरह तरह के करतब आजमा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा गिरफ्त में आने के बाद इन तस्करों की होशियारी उजागर होती है। इन चालाकियों को देखकर अधिकारी भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। इसी तरह का एक और मामला चेन्नई एयरपोर्ट पर सामने आया है, जहां दुबई से आए यात्रियों के पास से 2,17,00,000 रुपए का सोना जब्त किया गया है। आपको बता दें कि यात्रियों के पास से 4.25 किलो सोना जब्त किया गया। आरोपियों ने सोने को छिपाने के लिए सोने के 222 कैप्सूल बनाए और उसे कोल्ड ड्रिंक के साथ निगल लिया था। हालांकि सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों की सावधानी के सामने यात्रियों की ये योजना विफल हो गई थी। मामले में 8 में से 7 पर्यटकों को पकड़ लिया गया है। यात्रियों ने जो कैप्सूल निगला था उसमें प्रत्येक कैप्सूल का वजन 15 से 24 ग्राम था। इसके अलावा 8 पर्यटकों के पेट से कुल 222 कैप्सूल जब्त किए गए हैं। खबरों की माने तो अधिकारियों ने संदेह के आधार पर इन 8ों को गिरफ्तार किया था, जिनमें दुबई और शारजहां की 4 महिलाएं भी शामिल थी। जांच के दौरान यात्रियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अधिकारियों की माने तो सोना निगलने की प्रक्रिया काफी कठिन थी। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रियों को बहुत अधिक खाने के लिए मजबूर किया गया, ताकि शौच के दौरान सोना आराम से बाहर निकल जाए। इस प्रक्रिया में पूरे 8 दिन लगे हैं। अधिकारियों ने कहा कि एक यात्री को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उसके पास जो सोना था उसकी कीमत 20 लाख रुपए से कम थी। नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसके पास 20 लाख से अधिक कीमत का सोना हो। बहरहाल हैरान करने वाले इस तस्करी के तरीके का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए हों। इससे पहले चेन्नई हवाई अड्डे से चप्पल और अंडरवियर तक में सोने की तस्करी की जा चुकी है।